जय हिंद भाई सभी को। जितने भी बच्चे एसएससी जीडी का पेपर दे रहे हैं, पहले तो उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप इस बार अच्छा परिणाम लाओ। साथ ही आप सबके लिए एक जरूरी सूचना है कि एसएससी ने इस बार जो आपका टेस्ट होगा उसका डेमो टेस्ट डाल दिया। अगर आपने नहीं दिया तो आपको देना चाहिए एक बार। क्यों देना चाहिए? क्योंकि आप जब वहां कंप्यूटर सेंटर पे जब जाओगे, एग्जाम सेंटर पे कंप्यूटर के सामने बैठोगे, तब आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार से आपको अटेंड करना है, आपको नेक्स्ट करना है, सेव नेक्स्ट करना है, किस प्रकार से आपको उस पर क्लिक करना है। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे हैं जो मार्क फॉर रिव्यू कर लेते हैं, क्वेश्चन अटेंड नहीं होता और बाद में फिर सोचते रहते हैं। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में फिर मैं आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है कमांडो अकेडमी का, उसमें उसका लिंक शेयर करूंगा। टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, कमांडो अकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें लिंक डालेंगे तो वहां से आप एक बार डेमो टेस्ट दे लीजिए ताकि आपको पूरा पता रहे कि किस प्रकार से आपके सामने पेपर आने वाला है एसएससी का। देखो लाडलो, जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहां पर कुछ नहीं करना, आपको सीधा सिंग इन कर लेना है। जैसे आप ये करोगे आपके सामने जो खुल के इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, इसमें पूरे नियम बताए हुए रहेंगे। जैसे देखो यहां पर नियम है, यू हैव नॉट, अगर आपने नहीं देखा तो इस कलर का शो होगा क्वेश्चन। आपने यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन, वो रेड कलर का शो होगा। यू हैव आंसर द क्वेश्चन, ग्रीन कलर। यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव टू द मार्क क्वेश्चन फॉर द रिव्यू, उसका कलर ऐसा शो होगा, द क्वेश्चन आंसर्ड एंड मार्क रिव्यू। यानी आपने देखो इसका मतलब क्या है, तो अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखा है तो ये कलर शो होगा उस क्वेश्चन के नंबर पे, भी आगे बताऊंगा कहां। अगर आपने क्वेश्चन आंसर नहीं किया है तो ये कलर शो होगा रेड। ग्रीन कलर का मतलब आपने आंसर कर दिया। पर्पल कलर का मतलब है आपने क्वेश्चन देखा तो है लेकिन आपने वापस के, भाई मैं फिर से आके इसको देखूंगा, उसके लिए हो जाएगा। अगर पर्पल कलर के साथ में अगर इस प्रकार के बिंदु है तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन अटेंड कर लिया लेकिन फिर भी आप वापस देखना चाहोगे। ये नियम इसमें बताए हुए, नेगेटिव मार्किंग से संबंधित बताए हुए। फिर आपको क्या करना है, यहां से नेक्स्ट करना है। यहां पर आपको सेलेक्ट करनी है लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, यहां क्लिक करना है आई एम रेडी टू बिगिन, स्टार्ट करने के लिए। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएंगे ये इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, देखो एक नंबर क्योंकि क्वेश्चन सामने आ गया तो रेड कलर हो गया। जैसे ही मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा कि बेमेल चुने, मान लो मैंने ये किया, अब मेरे को इसका आंसर करना है तो सेव नेक्स्ट, तो ये ग्रीन हो गया। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी आंसर कर देते हो किसी भी क्वेश्चन का तो आपको हमेशा सेव नेक्स्ट करना, ध्यान रखना, समझ गए बात को, ये आपको देखना भी है। दूसरा यहां देखो 15 अगस्त को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो मान लो आपने सोमवार, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो ये देखो मार्क फॉर रिव्यू, यानी आपने आंसर भी कर दिया और मार्क फॉर रिव्यू भी कर दिया। अगर मैं सीधा ऐसे कर दूं इसको मार्क फॉर रिव्यू, तो यहां पर देखो कलर, अगर मैंने आंसर नहीं किया तो पर्पल कलर, अगर मैंने आंसर कर दिया है तो यहां नीचे कुछ एक लाइनों जैसा आएगा ग्रीन कलर का प्लस पर्पल कलर। अगर मैं इसको अटेंड नहीं करूंगा और सीधा ही नेक्स्ट कर दूंगा, मान लो मैंने इसको अटेंड नहीं किया या आंसर कर दिया, तो ये मैंने क्वेश्चन देख लिया, इसको मैंने आंसर नहीं किया, सेव नेक्स्ट कर दिया, तो इसको मैंने अटेंड नहीं किया, रेड कलर। इसको समझना है, जब आप क्वेश्चन का आंसर देते हो तो आपको सेव नेक्स्ट करना है। अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते तो आपको क्या करना है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करना है। अगर आपने आंसर भी देना है आपको डाउट है कि नहीं मेरे को वापस ये करना है, तो आपको जैसे आंसर किया साथ में मार्क रिव्यू, तो वो क्वेश्चन का आंसर भी माना जाएगा अगर आप बाद में नहीं देख पाए तो भी, समझ गए बात को। और जिसका आपको क्लियर है उसमें आपको क्या करना, आंसर दिया, सेव नेक्स्ट। अब किसी में आपको मान लो थोड़ा बहुत डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि मुझे इसका आंसर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो वो आपकी मर्जी, इसलिए आपको एक बार डेमो टेस्ट जरूर दे लेना चाहिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कमांडो अकेडमी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं लिंक डाल रहा हूं, एक बार जाके दे लीजिए तो सब चीजें क्लियर हो जाएगी, पढ़ लेना उसकी नियमावली पूरी। ठीक है लाडलो, जय हिंद जय भारत।